सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुड़चा बिजनेस के ब्लॉग। जो फर्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आमिर माजिद की साइड से। आज जब मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो गाइस मैंने एक चीज देखी। जब मैंने आमिर भाई की गाइस प्रोफाइल ओपन की तो मैंने देखा गाइस आगे से उनका ब्लू टिक हट चुका था। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो गाइस, जब मैं सुबह इंस्टाग्राम चेक कर रहा था आमिर माजिद का, सो गाइस मैंने देखा आगे से यहाँ से गाइस चेक करो इनका ब्लू टिक हट चुका है। इस बारे में आपका आप वापिस आ गई क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी लाइव गाइस मैंने आपके सामने रिफ्रेश किया था तो वापस आ गया था गाइस। सुबह जब मैं चेक कर रहा था तो वो चला गया था। देखा अभी आपके सामने गाइस लाइव प्रूफ, जब मैंने गाइस आमिर माजिद का इंस्टाग्राम रिफ्रेश किया। काफी बंदे सोच रहे होंगे कि आमिर माजिद का ब्लू टिक गाइस फेक है, तो आपके सामने मैंने गाइस रिफ्रेश किया तो एक बार ब्लू टिक वो वापस आ चुका था। जब दो तीन बार वापस मैंने रिफ्रेश किया तो ब्लू टिक वापस नहीं आ रहा था। सो गाइस इस बात से यही पता चलता है कि गाइस ये जो आमिर माजिद का इंस्टाग्राम पे गाइस ग्लिच चल रहा है बहुत तगड़े वाला। यार बाकी आपका क्या कहना है इस ब्लू टिक के बारे में, कमेंट सेक्शन अपनी राय जरूर देना। तो गाइस जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है जॉनू स्टैंड की साइड से। अगर आपको पता होगा जॉनू स्टैंड के जीजू ने बताया था कि मैं और जॉनू की मम्मा गाइस दिल्ली में जा रहे हैं जॉनू स्टैंड के लिए एक तगड़े वाला सरप्राइज लेके आने वाले हैं। फाइनली आज सुमित व्लॉग की तरफ से गाइस एक व्लॉग आउट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं और जॉनू की मम्मा गाइस दिल्ली से वापस आ चुके हैं, जॉनू स्टैंड के लिए बहुत तगड़े वाला सरप्राइज लेके आ चुके हैं। जॉनू स्टैंड ने बताया कि संडे को हम मीटअप रखने वाले बहुत तगड़े वाला 12 बजे कावासाकी में। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। समझ गए ना, संडे 12 बजे कावासाकी में मीटअप है भाई, दिन के 12 बजे रात के नहीं। तो बाकी आपको लगता है कि कौन सा सरप्राइज आने वाला है कमेंट करके जरूर बताना। ये नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है वाइल्ड वोल्फ की साइड से। वाइल्ड वोल्फ के चैनल से गाइस एक वीडियो उठी है गाइस जिसमें एक शराबी लड़का गाइस श्वेता को छेड़ रहा था। इसी बात पे वाइल्ड वोल्फ काफी ज्यादा एंग्री दिखे। शराबी लड़के को गाइस उन्होंने अरेस्ट भी करवा दिया पुलिस को, और वाइल्ड वोल्फ ने गाइस उस बंदे को काफी ज्यादा चंड मुक्के भी चलाए। तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। बता किया क्या, बता किया कैसे मारा? वाइल्ड वोल्फ ने अपने चैनल पे गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी की है। उन्होंने बताया कि अगर बाहर से कोई लड़की आती है उनको ये शराबी लड़के छेड़ने पड़ जाएंगे, इसलिए इनको सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आलम ब्लॉग, आलम ब्लॉग, आलम ब्लॉग की साइड से। आपको पता होगा आलम ब्लॉग और जीनत ब्लॉग की कल काफी तगड़ी वाली फाइट हो चुकी थी। आज फाइनली आलम ब्लॉग और जीनत ब्लॉग एक ही ब्लॉग में देखने के लिए मिले आलम ब्लॉग के चैनल पे। आपको पता होगा जब पहले आलम ब्लॉग और जीनत ब्लॉग की गाइस कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जीनत ब्लॉग ने बताया था कि आलम ब्लॉग मेरे को क्लिप नहीं देता जो रिकॉर्ड करता है वो। आज जीनत ब्लॉग ने आलम ब्लॉग को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, आलम ब्लॉग उनका ब्लॉग शूट कर रहे थे। जीनत ब्लॉग ने बोला कि मेरे को क्लिप दोगे नहीं, इस बार क्लिप दोगे कि या फिर नहीं। सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छा यही क्लिप्स ले लेना यार, बंद तो गया है ब्लॉग आपका। हाँ दे दूंगा, दे दूंगा। जीनत ब्लॉग है ना, ये भी बड़ी चिलाल की है, इसने सोचा आज ताने मार देती हूँ क्योंकि आज इसका मौका मिला यार अपनी बात रखने का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है प्रतीक्षा कांत की साइड से। आपको पता होगा पिछले व्लॉग में प्रतीक्षा कांत गाइस काफी ज्यादा रोते हुए दिखे थे, और उन्हें बताया था कि मेरे को लोग काफी ज्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, और वो कमेंट करके बोल रहे हैं कि तू जानू की गर्लफ्रेंड है, तूने जानू को धोखा दिया है, आजकल तू जानू के व्लॉग में नहीं आ रही है। उन्होंने बताया था कि मैं अपने यूट्यूब को क्विट करने वाली हूँ। तो फाइनली आज उनकी तरफ से गाइस एक और व्लॉग आउट हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे को काफी ज्यादा बंदों ने मोटिवेशन दिया। उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब को क्विट मत करो, वापस अपने व्लॉग स्टार्ट करो। फाइनली उन्होंने बताया कि मैं वापस से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। सो गाइस सबकी बात सुन के मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी। नक्शा बेट आ रही है वो रही झटपॉप जोत की साइड से। कल के ब्लॉग में झटपॉप जोत ने बताया था मैं एक राइड स्टार्ट करने वाला, बहुत ही लॉन्ग राइड। तो उन्होंने बताया मैं सच पास की राइड स्टार्ट करने वाला हूँ, जाने वाली है हिमाचल से चंबा, चंबा से सीधा पत्नीटॉप, पत्नीटॉप से सीधा श्रीनगर, श्रीनगर से सीधा लद्दाख। और ये जो राइड होने वाली है ये मेरी होने वाली है कम से कम 6,000 से 7,000 के किलोमीटर के अंदर राइड होने वाली है। सो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। जा रहे तो हम करने वाले भाई सच पास की राइड। यहाँ से जाएंगे पहले हम डलाउजी, चंबा, चंबा से सचपास होते हुए किलाड़, किलाड़ से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से पटनी टॉप, पटनी टॉप से श्रीनगर, श्रीनगर से आई थिंक जोजिला क्रॉस करते हुए लद्दाख। प्लान सारा भी दिमाग में ही है यार। आज की अपडेट यहीं तक थी, आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ तक पहुंचे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है। बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। कल ना बहुत से बंदे हमें बोल रहे यार भाई आप बोलते हो एक के फैन है, एक के फैन है, एक के फैन है। हम बताते यार हम सबको प्यार करते हैं, किसी को भी दिल से हेट नहीं है। हम बताते हम सबके कट वाले फैन है और हम सबको दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और गाइस जरा हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ना B6 की आर्मी स्पैम कर दो, देखते हैं आज कौन कौन स्पैम करता है।